तुम उस लड़के से मिलने गए थे क्या? जी, लेकिन अफसोस वो मिला नहीं। अच्छा हुआ, जो बात खत्म होने लगी है उस पे मिट्टी डालो। इसलिए बड़ी हरकत कर गया, और आप चाहती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊं, बेगैरत बन के घर पे बैठा रहूं? अम्मी, जो उसने किया है ना, उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। क्या करोगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे? पुलिस वालों के गंदे गंदे सवाल के जवाब दोगे? जो करना होगा करूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इतने खुदगर्ज हो गए हो, अपने फैसले खुद ही कर रहे हो, ये एहसास नहीं कि जो कुछ करोगे उसका असर हम पे आएगा? आपके फैसलों के आगे कभी सर नहीं उठाया था मैंने, आपने मजबूर किया है मुझे फैसला करने पर। आसिम, तुम कुछ नहीं करोगे, हमें प्लीज अपने कमरे में चाहिए। अरे, जो कुछ हुआ काफी नहीं है? तुमने अपने भाई को उस लड़के के घर का पता दे दिया है। अम्मी, उसको छोड़िए आप, उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला लेना हक है उसका। इतनी ढील तुमने उसको दे दी, उसकी जबान कितनी लंबी हो, कहती शादी नहीं करेगी अब। ये सब बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो गलत है, और मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। रोकूंगी। तुम उस लड़के के घर का पता दो मुझे, मैं उसके खानदान से जाके मिलके बोलूंगी कि तुम उसको निकालोगे और ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे अब। ऐसा कभी नहीं होगा, उनके बेटे को कभी नहीं छुड़ाऊंगा, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारे वो। लोग मुझसे बगैर अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, घंटों बैठे रहते हैं मेरे इंतजार में, और तुमने मुझे यहाँ कब से बिठा रखा है, वो भी एक मामूली इंस्पेक्टर के लिए। सर, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप चले जाएं, अपना नंबर छोड़ दें, जैसे ये साहब आएंगे मैं आपको फोन करके बुलवा लूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। सर, आप जो भी हैं सर आंखों पर, मगर इस वक्त आप मुलजिम के बाप हैं। बकवास ना करो, मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म किया है उसने, गुनाहगार है आपका बेटा। ये उस लड़की के भाई हैं। ओह, तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को अरेस्ट करवाया? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन की इज्जत को उछालते हुए? मेरी बहन के साथ जो हुआ है उस पर किसी भी भाई को खामोश नहीं रहना चाहिए, वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, उसका पूरा बदला लूंगा। जाए कर ले जो करना है, आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। ओह, तो तुम हो वो इंस्पेक्टर जिसने हिम्मत की मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? मैंने अपनी ड्यूटी दी है। मेरा बेटा गुनाहगार नहीं है, छोड़ो उसे, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो गुनाहगार है या नहीं है इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन उसे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम असद सिद्दीकी है, पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है मेरा। पूरी दुनिया जानती है तुम मेरे बेटे को सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, छोड़ो फौरन उसे। सॉरी सर, ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है, मैं बात करता हूँ आईजी से। आईजी साहब के कहने पे तो आपके साहबजादे को गिरफ्तार किया है हमने, और उनका भी यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। आप घर जाएं और केस की तैयारी करें। इंस्पेक्टर, गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम मेरे बेटे को यहां रख सकते हो। मैं रात होने से पहले पहले उसे यहां से निकलवा के लेके जाऊंगा, समझे तुम?
तुम्हारी बेटी की चीजों की खाक भी ना मैं अपने घर में बर्दाश्त ना करूं। मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गेट आउट ऑफ माय हाउस, दफा हो जाओ यहां से तुम। और सुनो, आज के आज ना मुझे डिवोर्स पेपर्स चाहिए। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? और अगर मैं तलाक ना दूं तो क्या कर लूंगी? मेरे पास बहुत तरीके हैं। गुना के कागजात तैयार करवा दूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम तकल्लुफी ना करो। गेट आउट, दफा हो जाओ। अच्छा किया तुमने अलमास पे, बहुत अच्छा किया तुमने तलाक जैसे नापसंदीदा काम से मुझे रोककर। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुंबल कभी भी खुला के पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। तुम्हारी तड़प और अजियत अभी भी दिखाई दे रही है मुझे, और मैं खुश हूं तुम्हारे फैसले पर, मैं बहुत खुश हूं। अब सारी जिंदगी तड़पती रहना, तिल तिल कर मरती रहोगी तुम। ये जो तुमने मुझे मैसेज किया था ऐसा ही है? बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा भाभी को तलाक ना देने का। सच बताओ मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो यार चल के भाभी को लेके आते हैं, आ जाओ। अभी नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिक्र ना करो, कुछ बुरा नहीं चल रहा। देखो मैं भाभी से इन दिनों में मिला तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनसे ज्यादा नाखुश इस वक्त तुम होगे। फैसला बदल लिया तो अब हालत भी बदल जाएगी। जब भाभी वापस आएंगी ना तो अच्छे से ख्याल रखेंगी तुम्हारा। और तुम्हें भी उनका अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा ना बस करो यार, हर वक्त अम्मी की तरह नसीहतें करते रहते हो। अच्छा ऑफिस चल रहे हो? हाँ चलो चलते हैं। चाहेगा नहीं पूछोगे मुझे? पी ले यार तू चाय।